नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग अ स्टेप फॉरवर्ड हमने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में से एंटिटीज को डिस्कस कर लिया एट्रीब्यूट uh, को डिस्कस कर लिया मेटा जो एट्रीब्यूट्स है यानी प्राइमरी की फॉरेन की यूनिक की वो डिस्कस कर लिया तो डेटाबेस डिज़ाइन में से हमने ईआरडी में से जो ई e है उसको डिस्कस कर लिया तो कम द नेक्स्ट पार्ट आर रिलेशनशिप सबसे पहली चीज आप ये दिमाग में रखें कि जो जो कोर गोल है डाटा बेसिस का ओवरऑल वो ये है कि हमने रेपटेशन कम से कम करनी है आसान लफ्ज़ों में कि जो चीज़ हम मैनुअल खातों में चार जगह लिख रहे थे वो अब हमने चार से कम करके एक जगह लिखनी है यानी हमने रिडेंडेंसी को ख़त्म नहीं करना ना ही हम कर सकते हैं मिनिमाइज़ करना है रिड्यूस करना है एंड दिस इज़ अचीव्ड थ्रू रिलेशनशिप कैसे आसान लफ्जों में जहां पे हम पहले फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास लेजर है या वो जो खाते होते हैं वो हैं जहां पे फॉर एग्जांपल मैं कस्टमर की एंट, जो एंट्री है वो चार रजिस्टर्स में कर रहा था या खातों में कर रहा था अब मैं एक जगह एंट्री करूँगा वो होगा मेरा डेटाबेस बाकी जो कॉलम्स हैं या जो बाकी टेबल्स हैं वो उस वैल्यू को रेफर करेंगे रिपीट नहीं करेंगे यानी जो जो रिलेशनशिप्स हैं ये हमें हेल्प आउट करेंगे अभी हम इसको देखते हैं आगे भी हमें हेल्प आउट करेंगे रिडेंडेंसी के गोल को अचीव करने के तो हमने रेपटेशन ख़त्म हम नहीं कर सकते हम मिनिमाइज कर सकते हैं ताकि हम चार दफा लिखने के बजाय हम एक जगह लिख दें और फिर हम उसको बार बार रेफर करें वाया आईडीज तो प्राइमरी की सिर्फ रिपीट हो रही है फॉर एग्जांपल अपार्टमेंट आईडी रिपीट हो रहा है नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स या अपार्टमेंट के जो फर्दर एट्रीब्यूट्स हैं वो रिसीप में रिपीट नहीं हो रहे लाइकवाइज जो कस्टमर की आईडी है सिर्फ वो रिपीट हो रही है रिसीप में कस्टमर नेम उसका सीएनआईसी उसका ईमेल वो रिपीट नहीं हो रहा अगर डेटाबेस नहीं होता तो मुझे मैनुअल फिज़िकल खातों में पूरा कस्टमर रिकॉर्ड एंटर करना पड़ता जित जहाँ जहाँ पर मुझे ज़रूरत होती तो अब आप यहाँ देखें कि मैंने सिर्फ आई को रिपीट किया बाकी मैंने कॉलम रिपीट नहीं किए दिस इज हाउ वी विल रिड्यूस रिटेंडेंसी मूविंग फॉरवर्ड जो रिलेशनशिप्स हैं रिलेशनशिप में वो होते हैं बिटवीन एंटिटीज और इसके अलावा एग्जिस्ट नहीं करते मतलब एट्रीब्यूट टू एट्रीब्यूट रिलेशनशिप नहीं हुआ करता एंटिटी टू एंटिटी रिलेशनशिप होता है और रिलेशनशिप के मल्टीपल टाइप्स हैं जो कि हम लोग देखते हैं अभी आगे जाके लेकिन इट इज बिटवीन एंटिटीज एंड लास्ट एंड द मोस्ट मोस्ट कन्फ्यूजिंग पॉइंट जो मुझे बुक्स में लगता है जो रिलेशनशिप है इट इज बाई डायरेक्शनल यानी एक रिलेशनशिप फ्रॉम एंटीटी वन टू एंटीटी टू है और दूसरा रिलेशनशिप फ्रॉम एंटीटी टू टू एंटीटी वन है अगर ये दोनों डायरेक्शन में रिलेशनशिप आप नहीं आइडेंटिफाई करेंगे तो दिस वुड बी एन इनकम्प्लीट रिलेशनशिप तो इट हैज टू बी बाई डायरेक्शनल ए से बी और बी से ए रिलेशनशिप की एक मेजर इक्वेशन है इट इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स पहली चीज है ऑप्शनैलिटी दूसरी चीज है अकार्डनैलिटी ये हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे दो टॉपिक्स को क्योंकि पड़ी। लेकिन आसान लफ्जों में जो ऑप्शनिटी है वो या तो ऑप्शनल होगी या मैंडेटरी होगी जो ओ पार्ट है इक्वेशन का और जो कार्डनेलिटी है या वो मोर होगी या जीरो होगी या वन होगी तो ऑप्शनैलिटी can इधर be ऑप्शनल और मैंडेटरी एंड कार्डनैलिटी कैन भी वन और मोर इक्वेशन क्या है हमारे पास सबसे एंड में आर इज इक्वल टू ओ प्लस सी लेट मी गिव यू अ सिमुलेशन ऑफ इट सो नाउ स्टूडेंट्स ये आपको मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूं स्पेसिफिक एंटिटी का नाम यानी कस्टमर या अपार्टमेंट या रिसिप्ट वो जानबूझ के नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने आपको अभी रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट देना है रियल टाइम स्नैरियो हम आगे जाके अभी थोड़ी देर बाद हम लोग करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल दो एंटिटीज हैं एक एंटिटी ए है एक एंटिटी बी है वॉट आई हैव सेड इज कि जो रिलेशनशिप है इट इज बाई डायरेक्शनल यानी फॉर एग्जाम्पल एक रिलेशनशिप है फ्रॉम ए टू बी और दूसरा रिलेशनशिप है फ्रॉम बी टू ए और जो ओवरऑल रिलेशनशिप की इक्वेशन थी वो थी ओ प्लस सी जब हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप फ्रॉम ए टू बी ए टू बी के लिए भी आर इज इक्वल टू ओ प्लस सी यानी ऑप्शनैलिटी एंड कार्डिनलिटी हमने आइडेंटिफाई करनी है सेपरेटली और जब हम बी टू ए बात करेंगे उस वक्त भी हमने आर इज इक्वल टू ओ प्लस सी यानी ऑप्शनैलिटी और कार्डिनलिटी अलग से डिस्कस करनी है आसान लफ्जों में जब हम ए टू बी जाएंगे इस डायरेक्शन में तो ऑप्शनैलिटी और कार्नेलिटी को डिस्कस करेंगे जब हम बी से ए आएंगे यानी फ्रॉम राइट टू यानी माई राइट टू माई लेफ्ट तो उस वक्त भी इस इक्वेजन को हम अलग से आइडेंटिफाई करेंगे जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन मुझे बुक्स में लगती है वो अमूमन ये है कि स्टूडेंट्स को यह लगता है कि जी हमने ए टू बी देख लिया तो हमारी रिलेशनशिप कंप्लीट हो गई इट इज रॉन्ग आपको ये दोनों कंडीशन देखनी है जब तक आप ए टू बी एंड बी टू ए दोनों को अलग से डिस्कस या मेंशन नहीं करेंगे आपकी ये जो ओवरऑल इक्वेशन है ये कंप्लीट नहीं हो सकती तो रिलेशनशिप इज कन्वर्टेड इनटू इट्स कंपोनेंट फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए और दोनों को आपने अलग अलग डिफाइन करना है अलग अलग डिस्कस करना है वो कैसे करना है आई आई टेल यू इन अ मोमेंट